नमस्कार, बिहार न्यूज में स्वागत है आपका। मैं प्रेरणा विजय। चलते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। दरभंगा स्टेशन के समीप यार्ड में खड़ी दरभंगा अहमदाबाद ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई है। दरभंगा में 3 दिन में यह दूसरी घटना है। इससे पहले भी 4 सितंबर को बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में आग लग गई थी। वही ट्रेन के कोच में भीषण आग की सूचना मिलते ही मौके पर रेल के अधिकारी और कर्मचारी भी पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आज ये कोच नंबर 084-81 है, ये स्पेयर कोच है। इसमें यार्ड में स्टेबल था 4 तारीख से, ये 4 सितंबर से, और इसमें अचानक पाया गया है कि आग लगा हुआ, मतलब जो सूचना मिली है हमको, आग लगने की सूचना होते ही फायर को तुरंत बुलाया गया है। चूँकि फायर ये बीच में था तो फायर आने में असमर्थ था उधर गुमटी से। फिर हम लोगों ने हैंड संटिंग करके दोनों एक तरफ से कोच को काट के, जितने भी कोचेस थे सकरी साइड का उसको अलग किया गया, और इधर से इमीडिएट पावर लगा के बाकी कोचेस को सेपरेट किया गया। और इस कोच पे यहाँ के स्थानीय लोगों ने और हमारे रेलवे स्टाफ और सफाई कर्मी जो भी लोग थे, सब ने बाल्टी से और उससे मदद करके इसको एक तरफ से आग पे पूरा काबू पा लिया। और इसके कारणों का पता किया जा रहा है, क्या कारण है। पिछली बार भी ऐसी घटना हुई थी और इस तरह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लग रहा है कुछ असामाजिक तत्व तो इसमें ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, जो कंट्रोल से बाहर होने हैं उनको काबू में लाने का प्रयास किया जाएगा। बिहार शरीफ के शहीद हरदेव भवन में बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जिले में श्रमिकों और छात्रों के लिए चला जा रहे योजनाओं की प्रगति के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नालंदा जिले में 2 नगर पंचायत इस्लामपुर और एकंग सराय घरेलू और व्यवसायिक क्षेत्रों में बाल श्रम घोषित हो चुके हैं और जल्द ही बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र भी बाल श्रम मुक्त हो जाएगा। बता दें कि बाल श्रम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति बाल श्रम से संबंधित सूचना दे सकता है। चारों पक्ष का हम लोग बैठक किए, श्रम पक्ष का, नियोजन पक्ष का, प्रशिक्षण का और कौशल विकास का। और प्रगति है, प्रगति की जरूरत है। जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को हम लोग निर्देशित भी किए हैं कि हर पंचायत में हमारा गरीबों की योजनाओं को पहुंचाएं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज गरीबों के हित में कई योजनाएं को, खास करके श्रमिकों के हित में, और श्रमिक का परिभाषा भी हम लोग बदलने के लिए आज सरकार संकल्पित है कि मजदूर अब मजबूर नहीं है, ये श्रमिक सृजनकर्ता निर्माता विश्वकर्मा के संतान है, इसका सम्मान राष्ट्र का उत्थान करता है, इसलिए इसके कल्याण के लिए सरकार समर्पित। अररिया सदर अस्पताल के महिला प्रसव वार्ड से प्रसव कराते हुए एक महिला दलाल को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरफ्तार महिला नुसरत जहां का कहना है कि वो उसकी रिश्तेदार है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दोषी पाए जाने पर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही अस्पताल में दलाली के खेल पर भी नकेल कसा जाएगा। बोले दीदी सब करा दीजिए, बच्चा निकला हुआ है, बोला नहीं हम नहीं छुएंगे, हम नहीं करेंगे, समझे, अपने जो होने दो। हम बोले दीदी थोड़ा देख दीजिए ना, बोला नहीं हम नहीं देखेंगे। हम बोले रिपोर्ट सब देख लीजिए, नहीं नया रिपोर्ट कराओ। क्या नाम बताएं? थी उसका, उसके अटेंडेंट बनकर वो अस्पताल में घुसी, लेबर में सिस्टर ने देखा भी था, ऑन ड्यूटी जो सिस्टर थी उन्होंने देखा और वेट एंड वॉच में पेशेंट को रखा था उन्होंने लेबर टेबल पे, ऑन लेबर बेड। और इसके बाद सिस्टर अपना फिर काम करने लगी, बाहर अंदर तो आती ही रहती है सिस्टर। उसी बीच में जो साथ में थी जो अंदर, क्योंकि हम लोग एक अटेंडेंट, 2 अटेंडेंट अलाउ करते हैं अंदर, क्योंकि पेशेंट को उतना हमारे पास स्ट्रेंथ मैन पावर नहीं है, जो हम सिर्फ पेशेंट को एंट्री करने दें, तो पेशेंट को सपोर्ट के लिए, साथ के लिए। तो उसी बीच वो जो संबंधित जो महिला है जिन्होंने जिस पर FIR हुआ है, वो ग्लव्स लगा कर पेशेंट को डिलीवरी कराना स्टार्ट कर दी। तभी सिस्टर ने अचानक देखा, सारा पिक्स भी हम लोगों ने पिक्चर भी। क्या नाम है महिला का? नुसरत समथिंग कुछ नाम है। उन पर अधीक्षक महोदय ने उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर FIR किया, और
सिस्टर ने लिखित कंप्लेन दिया था, उसके आवेदन पर हम लोगों ने कार्रवाई किया है। बाढ़ अनुमंडल में इन दिनों फर्जी नर्सिंग होम की बाढ़ सी आई हुई है, जहां सकुशल स्वास्थ्य कर्मी बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके वजह से लोग अनायास ही काल के गाल में समा रहे हैं। ताजा तरीन घटना अस्पताल चौक बाढ़ के निकट ओम सेवा सदन में घटी है, जहां बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने आई पंडारा की कौशल्या देवी ने ब्लड चढ़ाने के दौरान ही दम तोड़ दिया। इस संदर्भ में मृतक के परिजनों का कहना है कि ब्लड चढ़ाने के दौरान ब्लड में विभेद होने के कारण ही महिला की मौत हुई है। मरीज की मौत से आक्रोशित परिजनों ने एक कर्मी की जमकर धुनाई भी कर दी, जिसके वजह से वहां हंगामा खड़ा हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझाकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी गौतम आनंद की अध्यक्षता में मधवापुर प्रखंड के सभी बीपीएलओ की बैठक हुई, जिसमें जनवरी 2020 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाताओं का नाम पहले से अंतिम सितंबर तक प्रपत्र छेद के माध्यम से जोड़ने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बीपीआरओ गौतम आनंद ने कहा कि सभी बीपीएलओ मृत मतदाताओं के नाम विलोपन में दो स्तरों पर सत्यापन करना निश्चित करेंगे। वहीं 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का विशेष रूप से भौतिक सत्यापन करते हुए अलग से संधारित करने का काम किया जाएगा। कहेंगे इसका तो शादी हो जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, इसका नाम क्यों जुड़वाएंगे। दूसरी जो लड़की आती है उसका भी नाम बहुत कम में लोग जुड़वाते हैं, जो शिक्षित है वो जुड़वा लिए, और जो शिक्षित नहीं है छोड़ो भाई लेडीज है। अब उसको जरूरत पड़ेगा 5 साल के बाद बैंक में खाता खोलने के लिए, चाहे कोई अनुदान की राशि यदि आता है उसके लिए, तो वो उनको याद रहते ही चलते हैं जुड़वाते हैं। तो समाज जो है इससे मैंने कही कि लिंगा के बाद चाहे लेडीज के प्रति थोड़ा उदासीन है, तो आपको जागरूक करना पड़ेगा। मधुबनी के डीएम सर एडीएम दुर्गानंद झा की अध्यक्षता में डीआरडीए सभा कक्ष में मुहर्रम त्यौहार के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसपी सत्यप्रकाश, सभी एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, सीओ और एसएचओ उपस्थित थे, जहां प्रभारी डीएम श्री झा द्वारा सभी पदाधिकारियों को बताया गया कि ऐसा देखा गया है कि मुहर्रम का पहलाम दूसरे दिन सुबह तक होता है, इसलिए सभी प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल जब तक पहलाम नहीं हो जाता है और उसमें सम्मिलित सभी लोग गंतव्य स्थान के लिए नहीं चले जाते हैं, तब तक प्रतिनियुक्ति स्थान को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को सूचना संकलन करते हुए सभी पंचायत के मुखिया और सरपंच, प्रखंड प्रमुख एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यक्तियों से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी। वहीं एसपी सत्यप्रकाश ने सभी थानाध्यक्षों को 8 सितंबर को अपने अपने थाना क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च निकालने का निर्देश दिया है। मधुबनी जिले के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को डीआरडीए मधुबनी में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त व सभी बीडीओ उपस्थित थे। इस दौरान मंत्री श्री कुमार ने कहा कि जिले में शौचालय अभियान के जियो टैगिंग महज 51% है, जो काफी चिंता का विषय है। इसमें बीडीओ लापरवाही बरत रहे हैं। अगर 10 दिनों में जियो टैगिंग की स्थिति में बदलाव नहीं आया तो बीडीओ की कुर्सी खतरे में आ सकती है। अब सभी प्रखंडों का मॉनिटरिंग मुख्यालय से विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इस दौरान शौचालय निर्माण, जियो टैगिंग, आवास योजना सहित अन्य बिंदुओं पर मंत्रियों द्वारा समीक्षा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए बिहार न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।